आज दास केवल युक्तियां बता रहा है जिससे अवस्थाएं प्राप्त हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। युक्ति का भाव पता क्या होता है? आइडिया। एक लोहे का टुकड़ा लो, आसमान पर फेंको, ऊपर धरती पर गिर जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोई भी चीज हवा में ठहर नहीं सकती। पर एक टनों का लोहे का हवाई जहाज उड़ता है, ये युक्ति है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। युक्ति में मुक्ति है। युक्ति घर में बैठ के कोई नाम जपता है, एक पाठ सुखमणि साहब जी का करेगा, एक का फल मिलेगा। घर में बैठकर कोई मूल मंत्र का पाठ करता है, जितनी बार करेगा उतना फल मिलेगा। पर संगत में यह युक्ति है। यहां पर 10,000 लोग बैठे हैं, एक बार मूल मंत्र किया हमने, एक एक की झोली में 10,000 बार मूल मंत्र का फल मिल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यह युक्ति है। संगत की बढ़ियाई क्यों है? संगत में पुण्य सेकंडों में बढ़ते हैं। जो अब अंदाजा लगाओ ना, 10,000 सुखमणि साहब जी का पाठ कर सकता है कोई? नहीं कर सकता। पर संगत में अगर एक पाठ सुखमणि साहब जी का हो जाए, एक एक की झोली में 10,000 सुखमणि साहब जी के पाठ का फल, पुण्य घंटों में बढ़ते हैं, जन्मों के पुण्य। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यह युक्ति है। और यही चीज अगर अमृत वेले हो जाए, अंदाजा लगाओ इसका, क्योंकि जन्म साखी में गुरु नानक पाशा के वचन लिखे हुए हैं कि दिन के समय 10,000 बार वाहिगुरु कर लो। दिन के समय 10,000 बार वाहिगुरु कर लो, अमृत वेले एक बार कर लो, एक बराबर है। फल समझो अमृत वेले का। ये तो एक्चुअली में ना हाथ में सरों जमा कर देखने वाली बात है। सरों का तेल होता है ना, वो फ्रिज में भी नहीं जमता, पता होगा सबको। पर ये चमत्कार ही है ना कि हाथ की गर्मी में भी वो जम जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने का भाव, अमृत वेले उठ के अपने आंखों से चमत्कार देख लो। मैं तो हजारों देख चुका हूं अपने आंखों से। गुरु शब्द की हजूरी में दास कह रहा है। आपकी संगत में कई बैठे होंगे, अगर माइक दे दिया तो 2 घंटे उसमें लग जाएंगे कि हमारे साथ क्या क्या हुआ अमृत वेले उठने के बाद। 40-40 सालों से जो केस कोर्ट में लटके हुए थे, 4 दिन अमृत वेले उठने के बाद फैसला हक में हो गया। सात संगत जी, 4 दिन अमृत वेला संभालने के थे। क्या हो जाता है? पुण्य जन्मों के पुण्य दिनों में बन जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।